हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो ये स्टॉक लेके आया हूँ, नाम है इसका अरविंद लिमिटेड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक टॉप का स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या कुछ खास चल रहा है, ये अपने जो है टेक्सटाइल बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला है और किस लेवल पर एक्सपेंड करने वाला है वो देखिए। और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, 390 का शेयर प्राइस है मात्र कहूँगा मैं इसको, और 392 का एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं और इसकी जो एक्सपेंशन की न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले अरविंद लिमिटेड करता क्या है। इसके अंदर जो फैशन का एक टॉप का स्टॉक, ये मानिए आप, ये देखिए, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप नाम देखिए, एरो, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, और ये देखिए टॉप की, ये देखिए कैल्विन क्लीन, ये टॉप के इसके जितने भी आप देखोगे, टॉमी हिल्फिगर, ये बहुत बढ़िया ब्रांड जो इसके अंडर आते हैं। कितने ब्रांड्स हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, खुद इसकी वेबसाइट पर आप जाओगे arvind.com, वहाँ पर देखिए, ये एक फैशन इंडस्ट्री का एक पावर हाउस मान के चलिए इसको, पावर हाउस, और बहुत बड़ी एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी इसको आप ये कह सकते हैं, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त कंपनी। अब देखिए टॉप के जितने में टोटल 15 टॉप के ग्लोबल अपैरल ब्रांड्स, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ आई मीन ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड्स हैं इसके टॉप के, तो इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये, और आज की नहीं है, 1931 से चली आ रही है अरविंद लिमिटेड। अब देखिए अरविंद, अगर आप देखें जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये चल रही है कि टेक्सटाइल मेकर अरविंद लिमिटेड प्लान टू इन्वेस्ट 500 करोड़ पर एनम, मींस हर साल 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अगले 4 से 5 साल तक, और एम कर रहा है अपने रेवेन्यू को डबल करने का, मींस टेक्सटाइल बिजनेस से जो इसका रेवेन्यू आ रहा है उसको डबल करने का, मींस 12,000 करोड़ करने का। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया न्यूज है इन्वेस्टर के लिए। इसलिए बढ़िया न्यूज है, जब कोई कंपनी एक्सपेंशन का सोचती है और इस लेवल के टारगेट सेट करती है तो बहुत अच्छा होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस पे डायरेक्टली इसका असर पड़ता है। चलिए ये देखिए, अगर आप देखिए तो मतलब बहुत अच्छा, अभी जैसे इसका 6,000 करोड़ के अराउंड का जो रेवेन्यू है टेक्सटाइल बिजनेस से, वो 12,000 करोड़ में कन्वर्ट होगा अगले 4 से 5 सालों में। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तो शेयर का प्राइस भी तो डबल के अराउंड तो होगा ही होगा, या तो उससे ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। ये देखिए, अगर आप देखते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कितना है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अरविंद का, और अर्निंग पर शेयर है 12 से 13 रुपये के अंडर है, पी रेशियो 31 का है, जहाँ पर इंडस्ट्री पी 34 का है, बुक वैल्यू 158 की है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47 का। और ये एक कोई अगर आप देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़िया एक्सपोजर है अरविंद लिमिटेड का, इसलिए फेस वैल्यू 10 की है, इसलिए बहुत बेहतरीन बन जाता है अपने आप में। अगर सेल्स की फिगर की बात करें तो सेल्स की फिगर देख लीजिए इसकी, ये स्टैंड अलोन सेल्स में दिखा रहा हूँ आपको, 1500, ऑलमोस्ट 1600, ऑलमोस्ट 1700 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा कम जून से, ये देखें ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर फिगर्स ये हैं जून और मार्च की, तो बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट देखिए 42 से 60, 60 से 67, 67 से ये ऑलमोस्ट 64 के अराउंड, ये देखिए ये फिगर्स, क्योंकि सेल्स भी इसी लेवल पर रही है तो यहीं पर नेट प्रॉफिट भी इसी लेवल पर रहा है। टोटल डेट देखिए ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का है, टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 5600 करोड़ के हैं, बहुत बढ़िया है, एसेट्स भी अच्छे हैं, और डिविडेंड टाइम टू टाइम 2.5 रुपये के अराउंड का डिविडेंड फिक्स कर रखा है, वही देता है 2012 से लगातार अब तक देता आया है। और अगर ग्राफ की नज़र डालें तो देखिए 80 रुपये का स्टॉक था, लार्ज कैप का स्टॉक है तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, 80 रुपये का स्टॉक था 2-5 साल पहले, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो एक रेंज बाउंड हो गया। अब देखिए इस न्यूज़ से ज़बरदस्त उछाल भी आ सकता है इस शेयर में, बहुत बढ़िया तरीके से जो है ग्रो कर रहा है। टेक्निकली अगर आप देखा तो ये देखिए यहाँ पे ये 71 रुपये का शेयर था, ये देखिए 71 रुपये का शेयर था आज से, मीन 2013 के सितंबर में, 5 साल पहले 71 रुपये का शेयर था, लेकिन अगर आप इसका जो ग्रोथ चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म पे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ग्रोथ चार्ट। आप देखिए इस लेवल से ये गया, ये देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है, ये देखिए ग्रोथ चार्ट। और अगर आप इसमें अभी बाइंग लेना चाहते हो तो इस रेंज पे आप अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखिए, मींस 370, 60 से 70 के बीच में यहाँ पे आप ज़रूर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि मार्केट में जो है थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट टर्म वाइज देखा जाए तो इसमें हल्का सा डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है, लेकिन इस न्यूज़ से क्या पता ऊपर जाए, ये हल्का सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लॉन्ग टर्म वाइज अप ट्रेंड है लेकिन शॉर्ट टर्म में हल्का सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। बट ये कि धीरे से अगर इस लेवल पर ये पार कर ले इसको, अपने ये जो पुराने 440 का लेवल है इसको पार कर ले तो बहुत बेहतरीन है, 440 पर रेजिस्टेंस इसका दिखता है, 420 से 440 पर इसका रेजिस्टेंस दिखता है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बेहतरीन, मीन्स एक पकड़ बनी हुई है इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वो 42.92% है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 12.23% है,
193 FII ने इसमें 21% की होल्डिंग बना रखी है और म्यूचुअल फंड की 52 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन एक बात और है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव जरूर देखें, प्रोमोटर्स ने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, चाहे वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन 10.54% जो शेयर्स है वो गिरवी रखे हैं। ये चीज़ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जो दिखता है, लेकिन ये है कि कई बार ये चीज़ पॉजिटिव भी होती है, गिरवी रखा जाता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, थोड़ा सा फाइनेंस के लिए भी गिरवी रखा जाता है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ ये अरविंद लिमिटेड जो आपको जो इसकी एक्सपेंशन की न्यूज आएगी 500 करोड़ पर ईयर इन्वेस्ट करेगा तो बहुत बेहतरीन न्यूज़ लग रही है मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस स्टॉक को एनालाइज जरूर कीजिए अपने एंड पे, क्या पता आपके काम का ये स्टॉक निकल जाए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।